नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्री। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाम से फर्जी ट्वीट करने के मामले में हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान गांव टूंडला जिला अंबाला निवासी प्रहलाद पुत्र मामचंद और तेलजी जगाधरी जिला यमुनानगर निवासी रोहित पुत्र जितेंद्र के रूप में हुई है। साइबर क्राइम की टीम ने दोनों आरोपियों को पंचकुला के सेक्टर 1 से जिला अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्विटर अकाउंट का नाम इस्तेमाल करते हुए एक फेक ट्वीट किया गया था, जिसमें लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा डीजीपी मनोज यादव को इस फेक ट्वीट को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस केस में अब दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान पुलिस इन दोनों आरोपियों से फेक ट्वीट के संबंध में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेगी। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। सर, ये अभी दो लोग पेश कर रहे हैं सर, सर क्या मामला है सर, बताएंगे? इनका मामला ये है कि इन्होंने अनिल विज का एक ट्वीट को थोड़ा चेंज करके कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको सर्कुलेट कर दिया एज पर दी प्रोसिक्यूशन वर्जन इन द FIR। बट एट दिस स्टेज बोथ दी अक्यूज हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर दी ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट and the trial court allowed the one day judicial police remand. Furthermore, they further directed to appear with medical certificate tomorrow. तो आज सर दोनों को कोर्ट में के पेश किया है, सर क्या बना इसमें? इसमें दोनों को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड के लिए भेजा है। सर कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? ये एक प्रहलाद है, प्रहलाद अम्बाड़ा का रहने वाला है, और एक लड़का है रोहित नागपाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का है।